केंद्र सरकार वालों एससी विद्यार्थियों लिए दी गई 327 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक वजीफा राशि। कांग्रेस सरकार वालों जारी ना करने के रोष वजह विद्यार्थियों ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की रिहायश का घेराव किया। विद्यार्थियों ने नारेबाजी करद हर रोज इस मुद्दे से स्टैंड बदलने लिए धर्मसोत की निखेधी की और फिर इस रोष में विद्यार्थियों की हिमायत में अगे आए। श्रोमणी अकाली दल के विधायक पवन टीनू ने भी सरकार के विद्यार्थियों का भविख खराब करने के इल्जाम लगाए। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र वालों भेजा 115 करोड़ रुपया एक जिहड़ा 12 महीने पहला भेजा सी 327 करोड़ रुपया जिहड़ा हुण 4 महीने पहला भेजा ये सारी शेड्यूल कास्ट विद्यार्थियों की रकम जिहड़ी आ जिहड़ी फीसा वास्ते आई सी और वो खाली है गवन कर ली है और बच्चों नूं प्राइवेट कॉलेजों विचों कढ़िया जा रहा उन्हां नूं एडमिशन नहीं दित्ती जा रही उन्हां दे दाखले नहीं भेजे जा रहे विद्यार्थियों का भविख जिहड़ा आ वो खतरे च है। इस गल नूं लै के असीं बार बार सरकार को मंग उठाते रहे मीडिया भी उठाते रहे लेकिन साधु सिंह धर्मसोत जी के कन्ना से जू नहीं सरकती। मेरा ख्याल जिनी वड्डी दुश्मनी धर्मसोत जी दलतों के बच्चों ना कढ़ रहे उन्नी होर नहीं कोई कर सकता। इन्होंने सानू क्या आश्वासन दिता सीगा भी असीं दिसंबर दे विच हुण पे करांगे साडी पेमेंट जबकि 21 नवंबर नूं साडे ने एग्जाम कॉलेज वाले हुण सानू कह रहे हैं जिन्ना तक थोड़ी फीस नहीं आ रही पिछों तो असीं तुहानूं एग्जाम दे विच नहीं बैठण देवांगे। इस करके साडा तां हुण फ्यूचर ते आ साडे जिहड़े एग्जाम ने यह है खतरे सानू फीस मंगदे आ साडे कॉलेज तों ते सानू मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिली हैगी ते स्कॉलरशिप दे सिर ते असीं पढ़दे हां स्टडी करदे हां ते असी यही कहना है कि सानू स्कॉलरशिप दी जाए ताकि असी कॉलेज एडमिशन लै सकें।